इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और चाइना को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट कनाडा से लिंक्ड है। यानी कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत की सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि अभी जो कुछ ही महीने पहले कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो संदिग्ध हालातों में हत्या हुई थी उसके पीछे भारत की सरकार के इन्वॉल्व होने के कुछ सबूत मिले हैं। ये न्यूज अपडेट उसी से लिंक्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर अभी तक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर और भी किसी भी वेस्टर्न देश ने इसके ऊपर कोई बड़ा कमेंट नहीं किया है, यानी कि कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है या फिर भारत को टारगेट करते हुए कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। ना ही किसी भी वेस्टर्न देश ने और ना ही रशिया या फिर चाइना की सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे के ऊपर कोई आधिकारिक तौर के ऊपर कोई टिप्पणी आई हो। लेकिन अब जो चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है यानी कि ग्लोबल टाइम्स, वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर कूद पड़ा है और उसने इस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक आर्टिकल छापा है। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है, यानी इसको चाइनीज गवर्नमेंट फंड करती है और जो भी ग्लोबल टाइम्स के ऊपर प्रिंट होता है, जो भी उनके आर्टिकल्स में छापा जाता है वो एक तरह से चाइना की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ही होता है। और माना जाता है कि चाइना की सरकार आधिकारिक तौर के ऊपर जिस भी मुद्दे को अपने विदेश मंत्रालय के थ्रू नहीं कह पाती है उसको ग्लोबल टाइम्स के ऊपर आर्टिकल छाप कर ही कह दिया जाता है। कहने का मतलब है क्योंकि चाइना की सरकार ग्लोबल टाइम्स को स्पॉन्सर करती है, फंड करती है, इसलिए ग्लोबल टाइम्स क्या छापता है, इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर क्या बोलता है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी जो भारत और कनाडा के बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो भारत के साथ भिड़ गए हैं इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत में जो G20 का समिट हुआ था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बीच एक भी मीटिंग नहीं हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी कई देशों के लीडर्स के साथ बायलेटरल मीटिंग की लेकिन जस्टिन ट्रूडो को टाइम बिल्कुल नहीं दिया। ये दोनों देशों के संबंधों में डेंजर का बहुत ही बड़ा सिग्नल था और अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हैं, यानी अपने देशों से निकाल रहे हैं। और जो ये पूरी डेवलपमेंट हुई है ये साफ तौर के ऊपर वैल्यू बेस्ड अलायंस सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है जिसे अमेरिका लीड करता है, यानी कि जो अमेरिका आज के डेट में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर या फिर वैल्यू बेस्ड अलायंस की बात करता है ये उसका असली सच सामने आ गया है और भारत और चाइना आपस में लड़ रहे हैं। आर्टिकल में चाइना के मुताबिक वेस्टर्न देश तो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का डिफेंडर यानी कि अपने आप को मानवाधिकारों का रक्षक बोलते हैं और बाकी देशों को ह्यूमन राइट्स के ऊपर टारगेट करते हैं। ये वेस्टर्न देश भारत के लोकतंत्र की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए भारत को एंटी चाइना अलायंस में लाना चाहते हैं। वेस्टर्न देशों को पता है कि जो लोकतंत्र वो फॉलो करते हैं और जो लोकतंत्र भारत के अंदर है उसमें प्रमुख अंतर है। भारत की रिलीजन और माइनॉरिटीज को लेकर जो पॉलिसीज हैं, उनका वेस्टर्न देश समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक एथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर जो भारत के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, अमेरिका उसको भी नजरअंदाज कर रहा है यानी कि इग्नोर कर रहा है और ये अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों की वैल्यू बेस्ड अलायंस के दोगलेपन को दर्शाता है। चाइना के मुताबिक भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देश बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और भारत को कुछ भी नहीं कहते हैं। चाइना के मुताबिक ये सभी वेस्टर्न देश, अमेरिका, यूके, कनाडा और ये जितने भी यूरोपियन देश हैं, ये भारत को पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश मानते भी नहीं है। अभी के समय भारत इनके लिए फायदेमंद यूजफुल है तो ये भारत के साथ अलायंस बनाकर भारत का फायदा उठा रहे हैं और अमेरिका और वेस्टर्न देशों को जब तक भारत से फायदा होगा तब तक ये भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस, रिलीजियस माइनॉरिटीज वाले मुद्दों के ऊपर बिल्कुल चुप बैठेंगे। एंड सेम इसी तरह से कनाडा वाले मसले के ऊपर भी अमेरिका और वेस्टर्न देश भारत को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना के खिलाफ उनको भारत की सख्त जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके आगे लिखा है कि कनाडा अमेरिका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। कनाडा ने इंडो पैसिफिक और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर में अमेरिका की बड़ी मदद की है, इसलिए हो सकता है कि अमेरिका भारत और कनाडा के बीच इस पूरी डेवलपमेंट के बीच में मीडिएट करे यानी दखल देकर दोनों देशों के बीच सिचुएशन को कंट्रोल और शांत करने में मदद करे क्योंकि कनाडा के मामलों में दखल देना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका ऐसा करता रहता है। साफ तौर पर इस आर्टिकल में चाइना का रोना धोना नजर आ सकता है क्योंकि चाइना चाहता है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस और डोमेस्टिक एथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न देश जिस तरह से चाइना को टारगेट करते हैं ठीक उसी तरह से भारत को भी करें। चाइना के मुताबिक ये सभी देश अपने फायदे के लिए भारत के मामले में बिल्कुल चुप बैठते हैं और भारत को कुछ भी नहीं कहते हैं। वैसे इसमें दिक्कत ही क्या है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में दुनिया के सभी देश अपना खुद का फायदा पहले देखते हैं। डिप्लोमेसी का पहला नियम ही अपने खुद के देश का फायदा होता है। ये चीज चाइना भी करता है, रशिया भी करता है, अमेरिका और वेस्टर्न देश भी करते हैं और भारत की सरकार भी यही करती है।